शिकार ब्रो, आर यू श्योर कि वो वही बाइकर है? ब्रो 50% तो श्योर हूँ, लेकिन उसके फेस पे बैंडेजेस है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन भी है। उसके साथ उसके कोई फैमिली मेंबर या कोई है? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो वो अकेला ही है। वो जनरल रोड में, चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, कम कम कम। शायद ये वही है। शायद नहीं शिखर, ये वही है। क्या? इट्स हिम। अब एक्सक्यूज मी, अब इन्हें होश कब आएगा? सुबह होश आया था, अभी नींद के इंजेक्शन का असर है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा ना? हाँ हाँ जल्दी आ जाएगा। इन्हें बेड नहीं मिला, ये ऐसे जमीन पर क्यों? इनका कोई सगे वाला नहीं है, पेमेंट करने के लिए कोई नहीं है। 10,000 का बिल है, अगर वो कोई भरेगा तो इनको बेड मिल जाएगा। आप बेड अरेंज कीजिए, पेमेंट हम कर देंगे। हाँ पेमेंट हम कर देंगे। ओके हैरी, हमारे ऑफिस में एडवांस सैलरी देने का प्रोविजन तो नहीं है, पर मेरी रिक्वेस्ट है, मिस्टर वागले एक मुसीबत में है, तो उनके केस को स्पेशल मानकर क्या हम उन्हें एडवांस सैलरी दे सकते हैं? ऑफ कोर्स मिस कियारा, व्हाई नॉट। अगर एडवांस सैलरी मिस्टर वागले को देनी है तो ऑफ कोर्स विल मेक एन एक्सेप्शन। बताइए मिस्टर वागले, कितने अमाउंट का चेक चाहिए? सर 2,00,000। ये लीजिए, क्या आप भी साइन कर दीजिए। सखी बोलो बेटा, क्या बाइकर मिल गया? ओ कौन सा अस्पताल में? ओके और हालत कैसी उसकी? ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, एक काम करना, दक्कू भाई को भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ क्योंकि इस बाइकर की गवाही से पूरा केस पलट जाएगा। चलो ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज। हाँ ओके बाय बेटा, बाय बाय। ये तो गुड न्यूज है मिस्टर वागले, जाइए आप जल्दी जाइए। या थैंक यू थैंक यू। मिस्टर वागले आप हेलो, ये क्या मजाक चल रहा है? आपके बाइकर को मिस्टर वागले के बच्चों ने ढूंढ लिया है, अब क्या होगा? सिस्टर मुझे ये बेड कैसे और मेरी पेमेंट किसने की? ये जो बाहर खड़े हैं ना, उन्हीं तीनों ने आपकी पेमेंट भरी है, और यही तीन हैं जो आपको देखने आए। सखी डैडी वो अभी ठीक है, नर्स कह रही थी कि खतरे से बाहर। थैंक गॉड। आप लोग अभी पेशेंट से मिल सकते हो। चलो कम 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 कम। जानता हूँ कि आपने कभी उस बाइकर को नहीं बताया कि आप कौन है, लेकिन ये राजेश वागले चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ सुन लिया तो। मेरी बेटी ने बताया कि जब उसकी गाड़ी से आपको टक्कर लगी तब आप ठीक थे, इनफैक्ट आप ही ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, फिर आपको इतनी चोट कैसे लगी? सर मेरा नाम महेश पांडे है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटा सा स्टंट मैन हूं। परिवार गांव में रहता है तो जो थोड़ा बहुत कमाता हूं सर उसी में से बचा के गांव भेज देता हूं। Okay. इसलिए 2-2.5 सालों से हालत बहुत खराब थी सर, ना कोई काम था और ना कुछ पैसे मिले। पिछले हफ्ते एक कॉल आई थी सर, उसने बोला कि एक स्टंट करना है, आर्य बैक रोड पे आपकी बेटी की गाड़ी से टकराना था और वहीं सूखे नाले में मुझे गिरना था।
सूखे नाले में सर पहले से ही गद्दे बिछे हुए थे और थर्माकोल के बॉक्सेस थे ताकि मुझे चोट ना लगे सर। और ऐसे स्टंट मैंने पहले भी किए थे सर, तो मैंने उसे पूछा कि ये किस सीरियल के लिए है, तो उसने बोला कि ये किसी को डराने के लिए है। मुझे सही नहीं लगा सर, लेकिन सर जब परिवार भूखा होता है ना तब आदमी की सही गलत की सोच मर जाती है सर। मैं राजी हो गया सर, पैसे भी एडवांस मिल चुके, लेकिन उस दिन जब मैं गाड़ी से टकराया तो मैं मार्क से मिस हो गया और मैं सूखे नाले में जहां गिरना था वहां नहीं गिरा, वहीं स्केड होके थोड़ी दूर ही रह गया और जैसा प्लान में था सर वैसा कुछ नहीं हुआ। जी गाड़ी में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, बिना इधर उधर देखे हुए बस यहाँ से निकल ले। लेकिन वो वीडियो पैसे गिन लूं उसके बाद वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, चल निकलो यहाँ से। हाँ बोलो। राजेश वागले उस बाइक वाले से मिल गया है, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, फोन मत करना उसे और कोई डील मत करना, समझे? हमने 4 घंटे तक वेट किया पर बैग लेने कोई नहीं आया। इसका मतलब पहले से तैयार था, पर उसे पता कैसे होगा? उसे हमारी हर बात की खबर हमेशा से थी, तभी तो उसे पता था कि मैं उस दिन आरे बैक रोड पे ड्राइविंग सीखने जाऊंगी। इंस्पेक्टर ऐसी सिचुएशन में अब आगे क्या करना चाहिए? आपको जिन जिन नंबर से फोन आते थे उन सभी नंबर को चेक करने दे दिया, पर ज्यादा पता लगने की कुछ गारंटी नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसे लोग फेक आईडी से नंबर उठाते हैं। आपने ब्लैकमेलर से बात की थी, आपको उसकी आवाज से कुछ पता चला? मेरी तो हार्डली 1-2 बार बात हुई, सखी ने ज्यादा बात की है और उस महेश ने, वो जो बाइकर है, क्योंकि वो ऑर्डर्स ले रहा था। हाय सखी, सिर्फ इतना इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि नर्स ने कहा है अभी महेश भैया इज ओके एंड 4-5 डेज में उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। विवान, महेश से बात हो सकती है अभी? हाँ हो सकती है, एक सेकंड ना। भैया वो राजेश अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे हो महेश? ठीक हूँ सर। गुड गुड। अच्छा एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। मेरे बस में रहेगा तो जरूर करूंगा सर।
ओके। जो बंदा तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा था उसके बात करने का तरीका, बात करने का पैटर्न तुम्हें याद है? मतलब ऐसा कुछ था उसमें अलग? हाँ सर, वो आदमी जब भी कोई बात करता था तो उसे हिंदी में बोलने के बाद होता था अंग्रेजी में कहे तो, और फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता था। तो देख ली तुम लोगों ने वो एक्सीडेंट वाली जगह, अंग्रेजी में बोले तो द क्राइम साइट। हाँ डैडी, हमारे साथ बात करते वक्त भी उसने दो तीन बार ऐसा किया था। ठीक है, थैंक यू महेश, टेक केयर। ओके सर। हेलो मिस्टर वागले। हेलो वंदना जी। हाय सखी, आर यू फाइन? या मिस्टर वागले, आपके ऑफिस से जाने के बाद हैरी पीछे ही पड़ गया ये जानने के लिए कि हुआ क्या है, पर बहुत अच्छा हुआ मिस्टर वागले कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, वरना बेवजह उस हैरी का एहसान हो जाता आप पर। हैरी को पता चला कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, एक्चुअली जब मैं फोन पर आपसे बात कर रही थी ना, तो फोन स्पीकर पे था और हैरी सामने। कियारा, अभी हाल ही में जो हमारी P2P ग्लोकल ने जो प्रॉफिट कमाया था, उसी पैसों को हम आगे धंधे में, अंग्रेजी में कहें तो बिजनेस में लगाने की बात कर रहे थे। यस, ये हैरी के चाचा? वो ऐसे बात करते, उन्हीं के मुंह से सुना है मैंने अपनी भारी आवाज में कहते हुए ये अंग्रेजी में बोले तो वाला जो स्टाइल है ना मैम? यस यस करेक्ट, उनकी तो हमसे दुश्मनी है, वो एनजीओ को एक्सपोज किया था उसके कारण। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।